नागपुर शहर युवा कांग्रेस के महासचिव एवं राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में रविवार को राजेंद्र नगर चौक केडीके कॉलेज रोड पर सौरभ चालेवार की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब रहे कि 2 तारीख की रात 12 बजे जगनाड़े चौक से केडीके कॉलेज रोड तक गटर लाइन की खुदाई की गई थी, तो वहीं राजेंद्र नगर चौक पर बीचों बीच जेसीबी खड़ी कर दी गई, जिसके आजू बाजू किसी भी प्रकार के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए, साथ ही स्ट्रीट लाइटें भी बंद थी। नतीजतन सौरभ जेसीबी से टकरा गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके लिए प्रशासन, नागपुर महानगरपालिका और नगर आयुक्त पूरी तरह से जिम्मेदार है, ऐसी बात भी इस दौरान आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कही गई। सौरभ के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नागपुर महानगरपालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सौरभ के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारी मांग यही है कि सौरभ के कातिल जो है, सौरभ का एक्सीडेंट हो गया, सौरभ की मौत हो गई, 28 साल का युवा है वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके घर को भरपाई मिलनी चाहिए, उसको मानधन मिलना चाहिए और सौरभ के जो भी कातिल है, जो भी इसके गुनहगार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे उसमें सिविल ठेकेदार है, उसके अंदर MSEB के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारी है, यहाँ पे जो काम करने वाले JCB चालक है, जो भी गुनहगार है, उस गुनहगार को जल्द से जल्द अरेस्ट करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो अपना आगे का क्या चाल? अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले 19 दिसंबर से जो नागपुर शहर में अधिवेशन होने वाला है, यहाँ पे अधिवेशन के अंदर हम मुख्यमंत्री जी जो एकनाथ जी शिंदे हैं, उनकी गाड़ी रोकेंगे और जब उनको यहाँ पे हम बहुत परेशानी करेंगे और पूरे जिले में वहाँ पे हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक सौरभ के कातिल को न्याय नहीं मिलेगा, हम वहाँ पे 19 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो रास्ते की स्ट्रीट लाइट बंद थी, बीच में JCB खड़ा था, भैया को दिखा नहीं। और रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। हमारे भैया को मानदंड मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी JCB के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो प्रशासन या कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उसका, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर का एक होनहार युवक सौरभ की नागपुर नगर निगम की लापरवाही के चलते मौत होने से सभी ओर से निषेध व्यक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक ओर तो पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही जनता कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।